कैसे हैं आप सब लोग? आप सारे बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, एज यू कैन सी। सो गाइस, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, आज दिवाली का दिन है और आप सभी को मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। एंड गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं और यहाँ पे हमने सारा सामान रख रखा है डेकोरेशन का, तो अभी ये सारा लगाएंगे। और अभी तो मैंने सिर्फ यहाँ पे लगाया है किचन वाले दरवाजे पे, और अभी यहाँ लगेगा, बाहर लगेगा, और भी बहुत सारा है, और अंदर भी है डेकोरेशन का, वो भी करना है। तो गाइस, इस वाले ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा और देखते रहिए ना कि आगे क्या होता है, कैसे कैसे डेकोरेशन होता है। सो गाइस, उसके लिए स्टे ट्यून। सो डेकोरेशन अभी आगे और स्टार्ट। ये चौखट पे ना हमने एप्पल लगाए, देखो एक यहाँ पे लगा रखा है और बाकी ना हमने दो तीन अंदर भी लगाए हैं। अंदर दो ही हैं यहाँ पे। सो गाइज, अब बारी है इन फूलों की, इनको भी दरवाजे पे लटकाएंगे एक एक करके, यहाँ पे और एक अंदर के साइड पे। सो अब इनको लगाते हैं। अभी थोड़ा सा और बचा है, लेकिन अभी गेट का कर रहे हैं हम एंट्री का, तो उस पर लगा देते हैं। हो चुकी है और अभी मैं मिलूंगा आपको सीधा शाम को, और जो डेकोरेशन हमने पूरा करा है ये मैं आपको शाम को ही दिखाऊंगा। लाइट्स वगैरह, लाइट्स हमने दो दिन पहले लगा दी थी, लाइट्स भी दिखा दूंगा और अंदर का डेकोरेशन जो भी हमने सब कुछ करा है।
सब दिखा दूंगा कम्प्लीटली। तो अभी गाइस मैं आपको थोड़ी देर मतलब शाम को मिलते हैं, शाम में रात के टाइम पे मिलते हैं जब पूजा वूजा होगी, सब कुछ एकदम सेट हो जाएगा, उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अ फ्यू आवर्स लेटर। सो गाइस फाइनली अब टाइम आ चुका है और हम सब भी रेडी हो चुके हैं, मैं भी रेडी हूँ। फाइनली अब रात हो चुकी है और हम सब भी रेडी हो चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और गाइज लाइट देखते थे पीछे, और मैं भी आपको डेकोरेशन दिखाता हूँ और बाहर की जो मैंने लाइट्स लगाई थी पहली वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, और अंदर अभी पूजा का सब कुछ एकदम तैयारी हो रही है, सब कुछ दिखाता हूँ। सो गाइज बने रहिए। सो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर ये स्टार वाली लाइट लगा रखी है, ऊपर ब्लू ब्लू कलर का है, और यहाँ पे ये रोटेटिंग लाइट है, और यहाँ पेड़ पे ये दो लाइटें लगा रखी हैं, ग्रीन और ब्लू, और यह है पूरा। और एक बारी मैं यहाँ पर बाहर जाके आपको पूरा दिखा देता हूँ कि बाहर से कैसा दिख रहा है। और ये देखो हमारी बैठी हुई है यहाँ पर अम्मा, सबको हैप्पी दिवाली बोल दो, बोलो हैप्पी दिवाली, दिवाली तेज की बोलो, तेज की बोलो थोड़ा हैप्पी दिवाली जो बोलने का या ता कौन दिख रहा ये देखो रोज साला दिवाली जिन्हें। तो गाइज अभी अम्मा बाहर बैठी हुई है, तो जैसे अभी पूजा होगी इनको भी अंदर बुला लेंगे। सो गाइस चलते हैं और अंदर की डेकोरेशन भी आपको दिखाते हैं। ओके तो गाइस अंदर ये देखो, ये है पूरा डेकोरेशन अंदर का। इस बार हमने पहले हम हमेशा यहाँ पे करते थे, मतलब पूजा वूजा सारा हम हर दिवाली पे यहीं पे करते थे, इस बार हमने यहाँ पर करी है। तो ये पूरा सजा रखा है यहाँ पर देख सकते हैं, और ये देखो यहाँ पर दिए बनाए जा रहे हैं। दिवाली मुबारक हो। अभी तो पहले ये सब होएगा, उसके बाद ही होएगा। हाँ और गाइस ये देखो ये मूर्ति कितनी क्यूट लग रही है, छोटी छोटी सी। एंड गाइस हाँ ये देखो ये बताया, तो ये प्लेट दिख रही है आपको, इसके नीचे जो प्लेट है ये किसने बनाई? ये एपन बना रखा है मैंने पूरा, तेरे मम्मी ने बनाया। हाँ मम्मी ने बनाया, तूने बनाया था पहले, मगर ये देखो तेरी मम्मी ने बनाया। ये हमने दिवाली से काफी टाइम पहले बनाए थे मिलके, थाली में बनाए ना, और यहाँ पे भी बना रखा है। ये देखो ये रहा, एक थाली में कलर करके पूरा एपन बना रखा है। ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था, कुछ प्लान नहीं कर रहा था, बट हो गया ये, हो गया अच्छा भी लग रहा है। तो गाइस पूजा वूजा सब स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपको ये सब दिखाऊंगा, देन उसके बाद फिर मिलते हैं जब ये सब कुछ हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। दिए भर ही चुके हैं, एक मिनट बेटा बस थोड़ा सा बचे हैं, वाले बच रखे हैं। अच्छा लगा तो छूले जी। सो गाइस फाइनली जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिए सारे जल चुके हैं, और कुछ ही देर में भी अपनी आरती स्टार्ट हो जाएगी। एंड गाइस एक बारी मैं आपको सामने से इनका एक बारी लुक दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है सामने से। ये देखो भाई सामने से।
लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुमको निस दिन सेवत तुमको निस दिन सेवत सर्वविष्णु दाता ओम जय लक्ष्मी माता जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।
गाइस जैसे कि आपने देखा पूजा पूरी कंप्लीट हो चुकी है, दिए भी लगा रहे हैं। एंड गाइस उस टाइम पे मैं जब लाइट दिखा रहा था डेकोरेशन पूरा, तो मैंने ये सब नहीं दिखाया था क्योंकि इन पे ना हमने दियो पे दिए जलाए नहीं थे ना वहां पे जलाया था, इसलिए मैंने दिखाया नहीं था। अब इनको जला रहे हैं तो अंदर का डेकोरेशन अब मैं पूरा आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे। सो देखो गाइस ये देखो, और ये बहुत ही मस्त लग रहा है एकदम। सो गाइज प्रॉपर यहाँ का डेकोरेशन तो देख लिया आपने, यहाँ पे ये थोड़ा यूनिक करा था इस बार हमने, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जला दिया ऊपर, और ये नीचे का जैसे कि आपने देख चुके हैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और जो अंदर का है, इस बार हमने तीन चीज़ें यूनिक करी काफ़ी, और ये काफ़ी मस्त लग रहा है। एक बार और दिखा देता हूँ, ये देखो पूरा प्रॉपर, और ये यहाँ पे ये और डेकोरेशन पूरा ऊपर तक, एंड ये टेबल पे एक, और दिस वन ब्लू ब्लू। तो गाइस दिए तो लगा दी, मोमबत्ती लगा दी, मोमबत्ती मैं लगा रहा हूँ। सो ऐसे दूसरे दिए ऐसे करके पीछे से फिर लगा दे, एक बीच में लगा दे। जैसे कि आपने सब कुछ देख लिया होगा, डेकोरेशन पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका है, और मैंने सब कुछ दिखा दिया आपको क्या क्या था डेकोरेशन में। और अभी कहना कि लाइट बंद करके देखते हैं कि लाइट बंद करके कैसा दिखता है, मतलब ये चीज ये पूरा दिए हुए जल रखे तो कैसा दिखता है। सो मैं लाइट बंद कर देता हूँ, तो ये देखो भाई ये काफी मस्त लग रहा है। नाइस। एंड गाइस वो देखो वाली, ये देखिए। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि लाइट बंद करके कैसा दिख रहा है। एंड गाइस एक चीज और, इनकी लाइट भी लगा देता हूँ। हाँ जल गया। तो गाइस ये देखो ये भी चल रहा है, मैं और भी चला देता हूँ इसके साथ ना बाकी के। ये जल चुके हैं, सब जल चुके हैं। जैसे कि आपने देखा लाइट बंद करके कैसे दिख रहा है, उनकी भी लाइट हमने जला दिया है और सही लग रहा है। अब वापस लाइट जलाते हैं, बस हमें चेक करना था कैसे दिख रहा है। सो वापस लाइट जलाते हैं। A few moments later. ये देखो ये घर आए नहीं, और ये देखो यहाँ पे रंगोली की चालू हो रही है, यहाँ पे फोटो से चालू हो रहा है। ऐसे ना मेरे जीजू भी मैं गरिमा की फोटो ले रही हूँ, जीजू ने इतनी गंदी फोटो दी आज मुझे कहता हैप्पी दिवाली। आए थे घर में और आए थे परसों, आए थे ना। तो गाइस अंदर का आपने सारा डेकोरेशन वगैरह सब देख लिया होगा, दिए हुए सब जला दिए। तो गाइस मैं फुलझड़ी लेके आया था, तो सबके साथ पूरी फैमिली के साथ फुलझड़ी लगाते हैं, दिवाली को एंजॉय करते हैं। सो गाइस लेट्स गो, ला मैं बनाता हूँ।
सो गाइस अब डिनर का टाइम हो रहा है जैसे कि, और मम्मी बना रही है पूरियां, पूरियां तली जा रहे हैं यहाँ पर। ऐसे तो अभी बुखार ही हुई होगी। किस्मत तो भटूरा सा लग रहा है इतना बड़ा। फाइनली आप देख सकते हैं पूरी रेडी हो चुकी है बनके, और आलू की सब्जी है, और ये है मोमोज। मोमोज क्यों पता? मीठा मीठा हो जाता है और थोड़ा सा तो ये चटपटा सही रहता है दिवाली के टाइम पे, मीठा मीठा हो जाता है। या या। और ये या यहाँ से अम्मा अपनी पानी की बोतल लेते हुए वही बैठो। एंड गाइस मम्मी के चले आ रहे हैं यहाँ पे, और मम्मी भी आई रहे खाने के लिए। सो खाना स्टार्ट करते हैं। A few moments later. So guys, ये दिवाली व्लॉग फाइनली यहीं पर डन होता है, और जैसे कि आपने देखा होगा मैंने दिवाली व्लॉग में सुबह से लेके एंड तक, मतलब सुबह से लेके रात तक दिखाया, डेकोरेशन से लेके डिनर तक दिखाया, उसके बीच में आपने सब कुछ देखा होगा, वीडियो को एंजॉय करा होगा। अब ये व्लॉग यहीं पर ही खत्म होता है, और हम सबकी तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो गाइस इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही था, और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो नए व्यूअर्स है प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि मेरे नए वीडियो के नोट्स आपके पास जल्दी जल्दी आए। सो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।